नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आर्य, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल अमित आर्यवर्त में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाया कीजिए, तभी आप नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारे देश में एक सन्यासियों ने कितना बड़ा योगदान दिया हमारे देश में हर चीज़ में। यदि आप चाणक्य को ले, चाणक्य ने कितना बड़ा योगदान दिया, ऋषि दयानंद हुए, ऋषि दयानंद ने वेदों के बारे में सही सही जानकारी दी, जिसके कारण आज तक हम अपने वैदिक धर्म को बचाते आए हैं, और सिर्फ वैदिक धर्म को वही बचाता आया जो वेदों के बारे में सही सही जानकारी रखता है। अब दोस्तों, एक हरिद मुनि हुए थे, जिस समय जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने जब हमारे देश पर आक्रमण किया था, राजा दाहिर पर आक्रमण किया था, उस समय एक हरिद मुनि हुए थे। जब राजा दाहिर हार गए थे, और राजा दाहिर के हारने का मुख्य कारण क्या था, राजा दाहिर के हारने का मुख्य कारण थे बोध। दोस्तों, उस समय का जो बोध थे, उन्होंने जो रेगिस्तान का इलाका था, उन मुस्लिम गुंडों को नहीं मालूम था कि ये रेगिस्तान का इलाका कैसे पार करना है, लेकिन उन बोध भिक्षुओं को, बोध जो व्यापारी थे या कोई भी थे, तो उनको मालूम था। तो उन्होंने राजा दाहिर के साथ में गद्दारी की, उन लोगों ने जो मोहम्मद बिन कासिम था उसको पूरा रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे आप जाइए, यहाँ से ये रास्ता है, वहाँ पे हमला कीजिए। जो उनकी सेना में जो मुख्य पद पर अधिकारी थे राजा दाहिर की, उन्होंने भी राजा दाहिर के साथ में गद्दारी की, आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। तो गद्दारी करने का राजा दाहिर हार गए थे। दोस्तों, हारने का परिणाम पता है क्या हुआ था, अनेकों माँ बहन बेटियों को मुस्लिम लोग ले गए और वहाँ पर जाकर बेच दिया गया। दूसरी चीज़, जो बोध थे जिन्होंने गद्दारी की थी उनको भी कत्लेआम कर दिया गया था, इतना आसानी से उनको छोड़ा नहीं गया था। जो गद्दार होते हैं उनको सबसे पहले मार दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, जैसे जयचंद को गर्दन काट दी थी वैसे ही उन बोध गद्दारों को भी मार दिया गया। अब दोस्तों देखिए, जब राजा दाहिर हार चुके थे तो काफ़ी अजीब स्थिति हो गई देश में, काफ़ी अपनी स्वतंत्रता जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो जो लोग काफ़ी डरे हुए थे, दुबके हुए थे, तो कोई आता ऐसा व्यक्ति जो कि हौसला देता है, जो अलग ही हटके होता है दुनिया में, जैसे कि अभी हरित मुनि थे उस समय, तो हरित मुनि ने गांव-गांव जा जाकर एक एक जो हिंदू युवा थे उनको जगाने का काम किया, उन आर्यों को जगाने का काम किया कि तुम वीरों के वंशज हो, तुम कहाँ उन मुगलों से, उन गुंडों से डर रहे हो। तो एक एक युवा को जगाया, और साधारण जो किसान थे उनकी फौज खड़ी की, और जो बप्पा रावल थे उनको लिया और साथ में फिर उनको हराया। दोस्तों, कितनी अनोखी बात है। आप सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या थी कि हमारे देश में गद्दारी किसने की, हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने भी की, जो राजा थे सबसे पहले गद्दारी किसने की, बौद्धों ने गद्दारी की। यानी कि जो व्यक्ति ये सोचते हैं वैदिक धर्म से बढ़िया और दूसरे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ना तो कोई बौद्ध धर्म बढ़िया है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, उनमें से कोई नहीं, सिर्फ आपका वैदिक धर्म ऐसा जो महान था, महान है और महान रहेगा। देखिए दोस्तों, हमें अपनी नींव जो है वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, भ्रांतियाँ होती हैं जिसके कारण से हम भूल जाते हैं, हम अपने मतलब कि हीन भावना बचपन में डाल दी जाती है, जाति पद, जाति प्रथा है, जाति प्रथा जो है हमारे वेदों की दी हुई नहीं है, हमारे वेदों में वर्ण व्यवस्था है। जाति प्रथा जो दी गई है बाद में 2500 से 3000 साल पहले जो ब्राह्मण थे, जो पुराण लिखे गए हैं उनके द्वारा लिखी गई है, वेदों से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जो हीन भावना पर चोट मारती है आज की राजनीति, जो कि देश को तोड़ने का काम कर रही है, आप दोस्तों इस चीज़ से प्रेरणा ले सकते हैं हमारे इतिहास से, कितना मतलब कि इतिहास में इतनी ठोकरे खाई हमने, इतनी गर्दनें कटवाई, इतनी महिलाओं ने त्याग दिया, इतने पुरुषों ने त्याग दिया, फिर भी हम आज कहाँ जा रहे हैं, हम अपने समाज को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, एक मोदी जी की जीत हुई, वो किसी को हजम नहीं हो रही है, ये हकीकत है, वो किसी को हजम नहीं हो रही है। अभी भी ये अभी देखना आप, अभी जैसे जाति को लेकर अभी गुजरात में दंगे हुए, या दंगे नहीं हुए, वहाँ पर जैसे बांटा गया लोगों को, इसी तरीके से आप देखना आगे दंगे होंगे, 2019 के चुनाव से पहले पहले दंगे होंगे, तो तोड़ा जाएगा हिंदुओं को जाति के नाम पर तोड़ा जाएगा। लेकिन हमें टूटना नहीं है, हमें बिखरना नहीं है, हमें एक होना है, हमें अपने इतिहास सबक लेना है। इसीलिए मैंने आपको ये छोटी सी कहानी थी संक्षिप्त में आपको बताई है, बाकी आप पढ़ना चाहें तो आप देख लीजिए, पुस्तक है भगवान एकलिंग इसका नाम है, और शहा सुनामी जी की पुस्तक है, आप इसको पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ये पुस्तक क्या है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब काफ़ी भाई पूछेंगे कि कहाँ से इसको लिया जाए, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए, देखिए आप देख सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, तो दोस्तों इस पुस्तक को मंगवाइए, इसमें फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ देखिए लिखा हुआ, अगर आप देख पा रहे हो तो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप इस पे फ़ोन कीजिए और इस पुस्तक आपको मंगवाइए। मतलब बात ये है, यही पुस्तक नहीं, आपको इतिहास से संबंधित जो जो पुस्तकें हैं आपको मंगवानी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए हमारा इतिहास क्या है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी अपना इतिहास नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, वो देश को नहीं बचा सकती।
तो दोस्तों अच्छा लगा आपको ये वीडियो, आपने देखी पूरी देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे तुरंत कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जो दबाया कीजिए दोस्तों, तभी आप मैंने वीडियो तुरंत प्राप्त कर पाएंगे। चलिए दोस्तों नमस्ते, जय श्री राम, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।